एमआईजी का आ रहे तो रुक जाओ, ये वीडियो पहले देखो, पहले समझो, फिर आओगे। चालू हो गए यही पर चेंज कर रहा है इसको, देखो ए झोली के नीचे क्या है, झोली के नीचे ये सब रेडी हो चुकी है। क्या कहना चाहोगे गर्म के बारे में? गर्मी तो बहुत है, उससे पानी बचा सकते हैं हमें। एमआईजी का एंट्री यहाँ से है, ये देखो पोजिंग मैन, इसको देखो नारियल काटने वाला इधर अपना शरीर पैक करने वाला अपना बिल्डर देखते। बस एक ही मिनट है, बस एक ही मिनट। अभी हम आ चुके हैं स्नो पार्क के बाहर खड़े, ये देख रहे स्नो मैजिक। यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपीज मोबाइल का देना होगा, अगर मोबाइल लेकर जाना है तो मोबाइल अलाउड नहीं है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आई एम बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं एक्वा इमेजी का, तो फाइनली अब आ चुके हैं हम यहाँ पेट्रोल पंप पर, गाड़ी में डीजल भर रहे, डीके सीधे निकल रहे मुंबई बांद्रा से, अब जा रहे हैं इमेजी का क्योंकि हो गए लेट। लेट तो हर बार ही होते, ये बार भी लेट हो गए, अब जा रहे हैं फटाफट, अभी कुछ 7:30 बज रहे हैं, फटाफट हमें पहुंचना है एक्वा इमेजी का। आज संडे भी है और 20 तारीख को इलेक्शन भी है, तो हाईवे भी बंद होने के चांसेस लग रहे, तो अभी फटाफट निकल रहे, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी है, तो इंटरव्यू सबसे बाद में करवाऊंगा, तो अभी फिलहाल चलते हैं फटाफट कहाँ पर, एक्वा एमआईजी का। तो चलो आओ चलते हैं, और आज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूले। तो चलो आओ चलते हैं फटाफट, एक्वा एमआईजी का कंप्लीट डिटेल मिलेगी आपको यहाँ पर, चलो आओ चलते। फाइनली आ चुकी है लोनावाला टोल नाके के पर है, लास्ट टाइम ऐसी हुआ था देवकुंड गए थे हम लोग तो आगे निकल गए थे, अभी जस्ट वही देख रहे हैं कि पूछ लिए उतर के पूछ लिए यहाँ पर टोल नाके पर, आगे जस्ट ये टोल नाका क्रॉस करने के बाद आगे लेफ्ट में रखना है गाड़ी, जस्ट लेफ्ट में अगर आगे चले गए तो एकदम आगे चले जाओगे, यू टर्न लेने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग ध्यान रखना, इसलिए आप उतर कर मैंने पूछ लिया, कन्फर्म कर लिया। तो अब आओ चलते हैं गाड़ी में बैठते, अपने कंपनी आ रही है पीछे, जस्ट टोल नाके से लेफ्ट में रख के गाड़ी निकालना अपने को, चलो आओ चलते। आगे निकल गया तो आगे निकल जाएगा, तो उसने बोला बोले लेफ्ट में रख के, ये सामने ब्रिज दिख रहा ना, ब्रिज उसके जस्ट बाजू में ना एग्जिट है। फाइनली आ चुकी है इमेजी का, जस्ट अंदर एंटर हो चुकी है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो मेरे पीछे कार पार्किंग है और पीछे इमेजी का एंट्री जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पर बाइक पार्किंग 50 रुपीज और कार पार्किंग 100 और बस का 300 है जैसा कि आप लोग देख रहे हो, अभी लोग चेंज कर रहे हैं, चलो आओ देखते हैं, और फटाफट हम लोग यहीं पर चेंज कर लेंगे, क्योंकि चेंज करने का रीज़न ये है कि यहाँ पर क्योंकि अंदर जाएंगे अंदर कपड़े रखेंगे तो 2 लॉकर 3 लॉकर लेना पड़ सकता है, इसके लिए हम लोग इनोवा में आए तो सोच रहे हैं कपड़े यहीं चेंज करके लॉकर हम लोगों को कम लेना पड़े, इसलिए बाहर ही चेंज कर लेंगे और चलते थोड़ा बचत करते, तो चलो आओ चलते और देखते हैं इन लोग चेंज कर रहे हैं और हम भी चेंज करके आपको मिलते। चालू हो गए यहीं पर चेंज कर रहा है, देखो ए झोली के नीचे क्या है, झोली के नीचे जेडी है, देवकुंड वाला जेडी, देख देखो क्या कर रहे हैं। फाइनली हो चुके हैं रेडी, ये हमारा आउटफिट है अंदर के लिए, अब चलते हैं अंदर, सब आगे भाग रहे हैं, लेट हो रहे हैं सामने, चलो अब चलते हैं, यहाँ कुछ फोटो वोटो खींचते हैं इमेजी का पे, ये देखो इमेजी का सब फोटो खींच रहे, यहाँ से एंट्री होने वाली है, ये सब रेडी हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे गर्म के बारे में? गर्मी तो बहुत है, उससे पानी बचा सकते हैं हमें। फोटो निकालते, चलो चलो फोटो निकालते,
भाई ने बोला करने का तो करने का। अरे मैं तो का की एंट्री यहाँ से है, ये देखो पोजिंग मैन किसको देखो नारियल काटने वाला इधर है। गजब बेइज्जती। अभी जस्ट वहां से यहाँ आए तो यहाँ पर पता चल रहा है कि अभी बस ड्रॉप है, बस ड्रॉप करेगी वाटर पार्क के लिए जा रहे हैं। अब बस से जाएंगे, चलो चलते। नंदो बस चालू हो गई। अरे हाँ भाई, गरम बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये 221 हम लोग का है, फुल टायर टच करने वाला, खुलता सब रख दिए अंदर, जा रहे हैं अभी आगे। चलो अब चलते, बहुत लेट हो चुका है, दिमाग खराब हो गया है। 10:30 कुछ हो रहे हैं, अभी 9 बजे से लाइन में लग के 1 से 1.5 घंटा दिमाग खराब हो गया। चलो चलते। गए जा रहे अभी भाई, जा रहा भाई अभी फुल टच कर लो। वो मैडम मैं जाना नहीं, मैं वीडियो नहीं कर रहा हूँ, मुझे जाना कैसा मत करो। चल ऐसा गया 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 हाँ ऐसा, ये ऐसा क्या, ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा एक, ये वाला हाथ इधर रख, ये वाला हाथ इधर रख, आ जा। फिर गया 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 रेडी है रेडी। फाइनली अभी हमारा नंबर आने वाला है, वो थीम पार्क है। आओ देखते हैं, ये लोग जा रहे पीछे बैठ रहा हूँ मैं, भाई डर रहा है, अभी भाई डर रहा है, रुक जा रुक जा, जाने दो। ये नंदो वीडियो निकाल, ये ना बहुत परेशान करते हैं, ये मोबाइल अंदर रखो, सिंगल कौन है, ये सब यही पूछते रहते हैं और कुछ नहीं। अभी एक को यहाँ पर लग गया, चश्मा पहन कर अंदर गया था, तो आधे एक घंटे से स्लाइड बंद थी, हम लोग वही वेट कर रहे थे यहाँ पर। तो बी केयरफुल, चश्मा इश्मा हाथ भी एकदम टाइट रखना, नहीं तो नीचे लगने के बहुत चांसेस है। जेब में डाल दो, कुछ भी करो, अभी तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे कांड हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत बड़े बड़े। तो चलो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं। ये स्लाइड भी काफी अमेजिंग है 3 पीपल के लिए। ये देखो गए वीडियो बना। ये मोबाइल लिया, ये भाई वो डरता मोबाइल जेब में रख, जेब में रख। अरे वहां जा रहेगा भाई जन सामने। अरे बैठो ना, मांडी मार के बहुत डेंजर थी अंदर, तो मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि एकदम टाइट पकड़ के बैठना रहता है, क्योंकि बहुत पानी का प्रेशर रहता है, यहाँ वहाँ झटके लगते हैं। साथ वाला तो एकदम डर गया, काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस था, आप लोगों को दिखाता था मैं। देखो आए, देखो ये देखो आए, ये छोड़ नहीं सकते पकड़ के बैठ गए, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया इसके लिए।
भाई कैसा चिल्ला रहा था, वीडियो नहीं बना पाया मैं। क्या बिल्ला देखो कैसा रहा सफर, कैसा रहा सफर? अबे तेरी बहस तेरी अरे क्या हुआ राजू भाई? अरे भाई हर जगह इतनी गर्दी और दूसरी बात ये हो गया, अभी जा रहे स्विमिंग पूल में, वहाँ पे काफी इंजॉय करना है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब मैं ज्यादा शूट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि स्लाइड के जब अंदर जाते हैं ना तो मोबाइल वोबाइल हाथ में नहीं रख सकते, पकड़ के बैठना पड़ता है क्योंकि इंसिडेंट देखे एक्सीडेंट देखे तो बहुत टफ है, तो इसलिए अभी हमने डिसाइड किया अभी स्विमिंग पूल में जाएंगे, सब इंजॉय करेंगे। तो अभी मोबाइल क्या हो रहा है, बार बार पानी जा रहा है और शूट वैसा हो नहीं पा रहा है, तो जितना शूट कर सकता मैंने कर लिया हूँ, तो अब मैं इंक्वायरी आपको बता दूंगा क्वेरीज, अब चलते हैं मोबाइल लॉकर में रखते फिर इंजॉय करते हैं, बाकी की बात बाद में करते, तो चलो आओ अब चलते मोबाइल रखते इंजॉय करते, इंजॉय पर फोकस करना है। चलो के अंदर जैसा एंट्री करते हैं यहाँ पर आप लोग देखोगे गेम एक्टिविटी से यहाँ पर टेडी बेयर जीत सकते हो आप लोग, जैसा कि ये देख रहे हो ये टेडी बेयर है, यहाँ पर टेडी बेयर है, यहाँ पर है टॉयज जीत सकते हो आप लोग, यहाँ पर खाने का स्नैक स्नैक सब कुछ है, बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर सकते हो। ये अंकल गेम खेल रहे हैं, देख रहे उनको सीधा करना है, देखते कर पाते हैं गेम हो जा हो जा। अरे नाम डुबा था क्या, नाम उठा बिल्डर बिल्डर ये गेम है, 2 मिनट्स होल्ड करना है 100 रुपीज और एक टेडी बेयर मिलेगा अगर आप जीतते हो तो, देखते आओ देखते अपने भाई की बारी है, इनके बाद 100 रुपीज पे कर दिया, देखते चाहिए टेडी बेयर ये जा रहा है, ये जा रहा है अभी तो उसको कपड़ा मार दीजिए प्लीज, हाथ पोछ लो भाई हाथ पोछ लो, इसके बाद इसमें कोई मूवमेंट नहीं, पुल अप रूल पढ़ लो, मूवमेंट नहीं है पुल अप नहीं है, जिधर हिलोगे टाइमर बंद नहीं, जो पकड़ा है उसी में ग्रिप छोड़ दिया तो भी बंद है, वो भी नहीं है 2 मिनट एक्सप्रेशन बदल रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो करे नहीं एक्सप्रेशन बदल रहा हूँ, वो करेगा तो ज्यादा अच्छा है, जितना करेगा उतना जीतेगा, जितना जीतेगा उतना खेलेंगे, मेरे को तो चाहिए तुम जीतो। एक मिनट होने वाला शरीफ भाई, हो गया हो गया, एक मिनट और बस, एक ही मिनट है बस, एक ही मिनट शरीफ नहीं पकड़ के रखो 125 बहुत अच्छा ट्राई किया, चलो अब चलते पार्क में भी जाना है, काफी टाइम हो रहा है, चलो चलते देखते आगे। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम एक्वा एमआईजी का वाटर पार्क से बाहर आ चुके हैं, अब जा रहे हैं स्नो पार्क का इंक्वायरी करते क्या है क्या नहीं, अभी पार्किंग में आए पहले कपड़े सब चेंज कर लेते,
चेंज करता हूँ, थोड़ा मूड थोड़ा फ्रेश करते हैं, देखते फिर क्या सीन होने वाला, कैसा क्या होने वाला है। तो आओ चलो पहले चेंज कर दे, फिर देखते स्नो पार्क का क्या सीन है क्या नहीं है। अभी बज रहे हैं कुछ 6:45, 6:50 हो रहा है, 7 बजे का वो लोग बोल रहे हैं और लास्ट एक 8 बजे का है। 3 स्लॉट कुछ होते हैं 45 मिनट्स के 5 बजे के बाद से। तो आओ चलो देखते क्या सीन होने वाला है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच। हाँ, वीडियो अभी तक देख रहे तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे वीडियो हम लाते रहते। तो चलो आओ चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अभी शाम का वक्त हो गया है यहाँ पर, कुछ अभी बज रहे हैं 7 बज चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर, लाइट वेट सब चालू हो रही है, ऑन हो रही है। अभी हम जा रहे हैं स्नो पार्क में, तो चलो आओ देखते, जो कॉम्प्लीमेंट्री फ्री था उसमें जा रहे हैं। चलो आओ देखते हैं कैसा क्या होने वाला है। अभी हमने चेंज कर लिए, सब आ गए यहाँ पर, चलो आओ अंदर चलते देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं स्नो पार्क के बाहर खड़े, ये देख रहे हो स्नो मैजिक। यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपीस मोबाइल का देना होगा, अगर मोबाइल लेकर जाना है तो। मोबाइल अलाउड नहीं है तो हमने सब मोबाइल जमा कर दिए, एक मोबाइल मैं लेकर जा रहा हूँ मेरा शूट करने के लिए, 100 रुपीस पे कर दिया हूँ। तो चलो आप अंदर चलते वहाँ पर देखते कैसा क्या लाइन होने वाली है। चलो अगर जे डी कोई मारेगा नहीं, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, मारा मारी नहीं है। सॉक्स रखे हम लोग, फिर सॉक्स खरीदना पड़ेगा। ये स्नो पार्क यहाँ से देखो, यहाँ से दिख रहा है। चलो हम अंदर जाते, बहुत चिल लग रहा है, वो कांच में पूरा चिल, अंदर चलते अभी। चलो आओ आ चुके हैं जस्ट स्नो पार्क के बाहर काफी अमेजिंग व्यू है जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये बहुत प्यारा लग रहा है ये थीम पार्क में हम आ चुके हैं वाटर पार्क की डिटेल निकाल कर रिक्वेस्ट करके कि हमें एक फोटो लेना है एक व्लॉग एंड वीडियो एंड करना है तो आइए थोड़ा व्यू एंजॉय कीजिए तो गाइस जैसा कि हम आ चुके हैं अभी बाहर स्नो पार्क पे काफी मतलब मत पूछो हमने 10 मिनट से ज्यादा वहाँ रुक नहीं पाए क्योंकि इतना हैक्टिक हो गया, इतना मस्ती किया सब स्नो पे का, यहाँ से वहाँ सर्कल पे का, पूरा एकदम ठंडा ठंडा, और वो आर्टिफिशियल बर्फ थी जो आइस थी, काफी हार्मफुल थी ऐसा लग रहा था हमको। और समझ रहे हो एकदम वैसा फील नहीं आया क्योंकि समझ रहे हो फील नहीं चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री तो ऐसा ही होगा, जो भी ये बेस्ट है कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, आओ एंजॉय करो। जिसने नहीं देखा, हम तो मनाली भी गए थे, मनाली में जो नेचुरल बर्फ थी उसकी बाकी बर्फ थी, इतना माइनस टेम्परेचर हम देख कर आए, वो वैसा मुझे माइनस लगा नहीं। ये लोग क्लेम करते हैं कि -5% तक रहता है डिग्री वहाँ पर, मुझे तो ऐसा लगा नहीं। कोई नहीं, बाकी कॉम्प्लीमेंट्री था, इन्जॉय करने के लिए बहुत बेस्ट है। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग एक्वा एमआईजी का आ रहे हो तो रुक जाओ, ये वीडियो पहले देखो, पहले समझो क्यों रहा हो, कि बाद में ये नहीं कहना कि एक्वा एमआईजी का आके हम लोग फंस गए, ये हो गया वो हो गया। तो आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर आप लोग आ रहे हो एक्वा एमआईजी का वाटर पार्क या थीम पार्क, तो वाटर पार्क में आ रहे हो तो आप लोग ज़्यादा करके कोशिश करना सैटरडे और संडे मत आना, कि इतना क्राउड होता है ना, इतना क्राउड यहाँ पर ऑलमोस्ट 45+ स्लाइड से राइड से आप लोग उतना कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक एक स्लाइड पर ना हाफ एन आवर्स 45 मिनट्स इतना टाइम लगता है लाइन लगाकर। और आप लोग सोचोगे कि एक्सप्रेस पास लेकर हम आ जाएंगे तो फट से हमें मिल जाएगा, वैसा नहीं है, कि वो भी क्यू में लगे हुए थे, एक उनका छोटे थे एक हमारा छोटे थे, काफ़ी हर जगह
45 मिनट्स किधर गया तो वो तो डेढ़ घंटा भी हम लोग को लग गया। काफी मतलब हेक्टिक हो गया, हम लोग उतनी स्लाइड्स कवर नहीं कर पाए। और आज संडे था, जैसे कि संडे के दिन हम आए थे, तो आप लोगों को सजेशन ये दूंगा कि अगर आप लोग आ रहे हो तो सैटरडे संडे और एक वेनेसडे या ट्यूजडे को ऑफर चलता है तो वो डे मत आना, नॉर्मल डे पर आना, अच्छे से आप लोग इन्जॉय करोगे। स्लाइड्स यहाँ पर काफी अमेजिंग है, मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट स्लाइड्स है यहाँ पर इन्जॉय करने के लिए। अगर आप आ रहे हो तो इन्जॉय कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये पूरा हमने वाटर पार्क का मतलब कवर किया, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को जानकारी दी। और जो वाटर पार्क है 130 एकर्स के आसपास ये बना हुआ है, और जो थीम पार्क है वो 70 एकर्स के आसपास है। और ये स्नो पार्क तो अपने को कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, आइए फ्री में इन्जॉय कीजिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज रहेगी तो आप लोग मुझे ज़रूर, मैं कुछ बताना भूल गया तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, तो या तो फिर अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मिलूंगा और डेफिनेटली आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ऐसे ही हमारे वीडियोस आते हैं कि मैं यहाँ वहाँ घूमता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ, और जैसे ये कुछ शॉपिंग के रिलेटेड भी वीडियोस है, मुंबई में कहाँ से बाय करना चाहिए, यहाँ वहाँ अच्छी क्वालिटी से क्वालिटी, ऐसे सब मैं वीडियोस बनाते रहता हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और कैसा आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग आ रहे हो, आपका प्लान है, तो ज़रूर मुझे भी बताना, कमेंट करके बताना कैसा क्या प्लान होने वाला। अगर मुझे कुछ पता होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और बताऊंगा, आप लोग ऑनलाइन टिकट ही बुक करना है, मैंने क्वेरीज किया था यहाँ पर, ऑनलाइन टिकट बुक करोगे तभी आप लोगों को स्नो पार्क का जो फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, और उनका क्लेम था कि मतलब 100 ज़्यादा मिलेगा, अगर काउंटर से अगर आप बाय करोगे तो 1250 के आसपास आपको टिकट मिलेगा, लेकिन उसमें स्नो पार्क का वो नहीं मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री, तो आप लोग ऑनलाइन ही बुक करना। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, चलो चलते हैं, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और शब बगैर मिलते जल्दी, बाय।